नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर स्त्री के होते हैं चार पति, जिसमें आपका नंबर चौथा होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हर स्त्री के चार पति होते हैं, जिसमें से आप चौथे नंबर पर आते हैं। लेकिन किस प्रकार से, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के बदलते हुए दौर को देखते हुए कई लोग अपना धर्म, रीति रिवाज और मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं। अधिकतर लोग नए जीवन शैली को अपनाने के चक्कर में हम अपनी सभ्यता और जीवन से जुड़ी मान्यताओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, जिसके चलते आज के समय में अधिकतर लोग हिंदू धर्म के वेद पुराण की जानकारी नहीं रखते हैं। हालांकि आप इस बात से अनजान हैं कि पुराणों के नियमानुसार एक महिला एक समय में चार पुरुषों के साथ विवाह के बंधन में बंधती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है कि हर स्त्री के चार पति होते हैं, जिसमें आपका स्थान चौथे नंबर पर आता है। कई व्यक्ति इस बात को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जब शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो हम उन मंत्रों को असली तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आप पंडित जी द्वारा कहे गए मंत्रों को सही तरह से समझ पाएंगे तो आप जानेंगे विवाह के समय मंडप में बैठे दूल्हे का नंबर पहला नहीं बल्कि चौथा होता है। जी हाँ, पति से पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व तीन अन्य लोगों को पहले ही सौंप दिया जाता है। दोस्तों, वैदिक परंपरा के नियमानुसार स्त्री अपनी इच्छा से चार पुरुषों को अपना पति बना सकती है। वैदिक परंपरा में नियम एवं स्त्रियों को पतिव्रता की मर्यादा को रखने हेतु हर स्त्री का विवाह पति से तीन देवताओं से करवा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं उन चार पतियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले लड़की का स्वामित्व चंद्रमा को सौंपा जाता है। द्वितीय स्थान पर विश्वासु नामक गंधर्व को और तीसरे स्थान पर अग्नि देवता स्त्री का स्वामित्व लेते हैं। दोस्तों, तत्पश्चात पति को स्त्री का स्वामित्व सौंपा जाता है। इसी वैदिक परंपरा के चलते द्रौपदी एक समय में एक से अधिक पतियों के साथ रही थीं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक स्त्री के वास्तव में चार पति होते हैं, जिनमें से आपका चौथा नंबर आता है। अगर आप इस बात को पहले से ही जानते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।